भाकियू शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने की मांग, फ्री बिजली योजना के लिए जो किसानों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं उसकी अंतिम तारीख को आगे बढ़ाए सरकार। व्यवसाय ठेक होने के कारण नहीं हो पा रहे हैं किसानों के रजिस्ट्रेशन, डिप्टी कलेक्टर भगत सिंह विवास श्रीवास्तव को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की समस्याओं से जुड़ा एक मांग पत्र आज अमरोहा कलेक्टर में डिप्टी कलेक्टर भगत सिंह व विवास श्रीवास्तव को सौंपा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि बिजली से जुड़ी किसानों की समस्याओं को लेकर हमने आज जिलाधिकारी के माध्यम से पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री द्वारा फ्री बिजली योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराए जाने थे वह वेबसाइट खराब होने के चलते नहीं हो पाए और कल 30 जून को योजना की आखिरी तारीख है। अभी तक सिर्फ 10% लोग ही रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं, जबकि प्रदेश भर के किसानों ने 90% बिल भुगतान कर दिया है, इसके बावजूद वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। हमारी मांग है कि किसान हित में इस योजना की तारीख 2 माह और बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही जिन किसान भाइयों ने 2023 के बाद कनेक्शन लिया है उनके रजिस्ट्रेशन नहीं खुल पा रहे हैं और जिन लोगों का बिल 2022 से 2023 तक पूरा जमा है उनका 3 महीने का बिल आना चाहिए था, जबकि सिस्टम की गड़बड़ी के चलते उनका 30 से 40 हजार तक बिल आ रहा है। सिस्टम इतना खराब है कि डिजिटल हो गई है दुनिया सारी और अन्नदाता हो गया भिखारी और इस डिजिटल के चक्कर में आज किसान बर्बाद है। हमारी मांग है कि इस पूरे सिस्टम को सुधारा जाए और किसानों की सभी समस्या को दूर किया जाए। इसी के साथ ही किसानों पर चोरी के झूठे मुकदमे लगाकर उनका शोषण किया जा रहा है, इसे भी तत्काल बंद किया जाए, इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा भाकियू शंकर संगठन धरना प्रदर्शन व आंदोलन करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने का काम करेगा। चौधरी दिवाकर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ से हैं। ये भारतीय किसान संघ का परिवार आज यहाँ आदरणीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से हमारे शक्ति भवन चेयरमैन UPCCM और माननीय मुख्यमंत्री के लिए किसानों की प्रदेश भर की समस्याओं के निवारण के लिए मांग पत्र सौंपा है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री द्वारा फ्री बिजली योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराए जाने थे वो वेबसाइट नहीं चल रही है और 30 तारीख यानी कल लास्ट है, उसमें मात्र 10% लोग ही अब तक आ पाए हैं, जबकि मेरे प्रदेश भर के किसानों ने 90% बिल भुगतान कर दिया है, इसके बावजूद भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। हमारी मांग है कि इस तारीख को 2 माह और बढ़ाया जाए। इसी के साथ जो किसान भाइयों ने 2023 के बाद कनेक्शन लिया है उनके रजिस्ट्रेशन नहीं खुल पा रहे हैं, जिन लोगों का बिल 2022-23 तक का पूरा जमा है, 3 महीने का बिल आना चाहिए था, सिस्टम उनका बिल 30 से 40 हजार रुपए दे रहा, सिस्टम इनका खराब है, डिजिटल हो गई दुनिया सारी, अन्नदाता हो गया भिखारी, इस डिजिटल चक्कर के अंदर किसान बर्बाद है। हमारी मांग है कि सिस्टम को सुधारा जाए और किसानों की ये जो समस्या है इसको दूर कराया जाए। इसके साथ साथ जब किसानों पे चोरी के मुकदमे लग जाते हैं, बिजली चोरी में वो अपना संबंध जमा कर देते हैं और वहां से लेटर लेके थाना जो विद्युत थाना है उसमें जमा करने जाते हैं, तो वहां पर विवेचक और विवेचना करने वाला अधिकारी 1500 से 2000 रुपए की अवैध वसूली करता है। इस अवैध वसूली को रुकवाया जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन संकर आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करके इस पर कार्रवाई कराने का काम करेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।